काफ़ी यूज़फुल और बिल्कुल नई तरीके की टिप्स लेके आ चुकी हूँ। तो मैं साबुन को कद्दूकस कर रही हूँ, इसका मैं क्या यूज़ करूँगी। उसके बाद हमने गिलास को देखिए इस तरह से रखा है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किचन के कुछ ऐसे काम जो कि छोटे छोटे आइडिया होते हैं, लेकिन हमारे किचन के काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं, जिससे हमें लगता है, सोचना पड़ता है कैसे करूँ कैसे करूँ, ये कैसे ठीक होगा। लेकिन आप छोटी सी आइडिया से उसी काम को बहुत ही आसान तरीके से झटपट से बिना टाइम खर्च किए कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक साबुन लिया है जो कि कपड़े वाला साबुन है, सर्फ एक्सल है, आप कोई भी साबुन ले सकते हैं। इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद इसका मैं क्या यूज़ करूँगी जो कि इतना यूज़फुल बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने कद्दूकस कर लिया है। ये जो मैं लिक्विड तैयार करूँगी वो बहुत ही यूज़फुल है। इसमें मैं आधा गिलास के करीब पानी डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करना है। इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है ताकि साबुन जो है ये टुकड़ों में, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में है, इसको अच्छे से घुल जाए। घुलने के बाद क्या होगा, क्योंकि इसे जब हम यूज करें तो बिल्कुल घुला मिला हो। फिर हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है। उसको डालते ही ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाता है, ऊपर आ जाता है। फिर भी मैं इसको फेंटती रहती हूँ ताकि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा वो बनाना है, थोड़ा सा हार्ड। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक, जिससे कि ये जो काम करे काफ़ी तेज़ी से करे। फिर मैं इसमें डालूंगी ईनो, जो कि हमारे पास एक्सपायर हुआ रखा है। इसको नमक और ईनो को मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छे से ये फूल जाता है, अच्छे से फ्लफी होता है, इस तरह देखिए ऊपर आता है और झाग भी काफ़ी ऊपर आ जाती है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद मैं इसे स्प्रे बोतल में डाल रही हूँ। जो कि हमारे पास ओनियन का ऑयल था वो ख़त्म हो गया, तो उसको हमने अच्छे से वाश कर दिया और इसी में इसको डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद ये बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले तो हम इससे टाइल्स की सफाई करेंगे, जो कि मैं किचन में यहाँ खाना बनाती हूँ तो ऊपर इस तरह से यहाँ तेल के छींटे जो पड़ते हैं, देखिए किस तरह से बिल्कुल काले हो गए हैं। उधर तो बिल्कुल ही काला हो गया है, काफ़ी गंदा है ये। जो कि मैं कपड़े से डेली साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल ये साफ़ नहीं होता है, चिपक गया है। तो इस तरह से हमने ब्रश को लिया है और ब्रश से इस तरह से हल्का सा मारना है आपको, और ब्रश मारते ही ये बहुत ही हार्ड जो सोल्यूशन तैयार हुआ है ये बहुत ही काम करता है। इसको थोड़ा सा ब्रश मारते ही बिल्कुल अच्छे से एक क्लीनिंग हो जाएगी। जो चिपका हुआ ऑयल है, काफ़ी दिनों के दाग धब्बे हैं, ये सब बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो आपका जब भी किचन गंदा हो, हर जगह हम डेली साफ़ करते हैं, कहीं कहीं हम नहीं पहुंच पाते, तो ये देखिए इस तरह से कपड़े से पोंछने के बाद बिल्कुल अच्छे से चमक गया है। जो काला था उधर काफ़ी तेल का दाग था, देखिए इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है। इस तरह से आप बेसिन को भी साफ़ कर सकते हैं, इस तरह से आप टॉयलेट में थोड़ा सा यूज करके इसे अच्छे से साफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। टॉयलेट में साफ़ करना है तो थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल दीजिए। इस तरह से जो फर्श होती है हमारी, कहीं तेल वगैरह गिर जाता है, कहीं दाग लगे होते हैं, तो इस तरह से 2 बूंद डालने से आप पोंछ दीजिए, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगले टिप की बात करते हैं। हमने ये पेपर लिया है, न्यूज़पेपर, और इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर रही हूँ मैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े आपके किचन की गंदगी को हटा देंगे, आपके किचन की बदबू हटाएंगे। तो इस तरह से आपने मिक्सी जार में, तो हमने वीडियो डाला था, मिक्सी जार की जो स्मेल होती है उसको हम हटा देते हैं। लेकिन इससे मैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे कि इस पेपर को हमने रख दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, जितने आपके पास बर्तन हों। अब इसको हमें जला देना है। एक पेपर हमने लिया और फटाफट से सारे को इस तरह से जला देना है। बहुत ही जल्दी ये पकड़ लेते हैं, जैसे ही पकड़ते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे से ये जलने लगते हैं। जब ये धीरे धीरे से जलने लगते हैं तो उसी टाइम पर इस तरह से आपको गिलास जो हमारे घर में होते हैं स्टील के, उनको इस तरह से आपको रख देना है। ये पेपर छोटे हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं, धीरे धीरे जल रहे हैं, और धीरे धीरे जलते ही बस हमने इसको, सारे गिलास को इस तरह से हमने रख दिया है।
अब इस गिलास को आपको एक से दो मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप एक से दो मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ जाएगी। और इस तरह से देखिए कोई पेपर जला नहीं है, लेकिन देखिए कितना अच्छे से इसमें सारा जो गंदी सी बदबू आती है, गिलास को कितना भी धुले हम, इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो आपका गिलास एक हफ्ते तक आप ऐसे भी कैसे भी साफ़ करेंगे लेकिन उसकी जो स्मेल होगी, बदबू आती रहती है सड़े पानी की जैसा अजीब सा स्मेल आता है, तो दूध की चाय की जो स्मेल आती है तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपका गिलास काफ़ी दिनों तक ये खुशबू रहित रहेगा। ये पेपर जो है बिल्कुल जला नहीं है, देखिए जिस स्टेज पे जलता है उसी पे जब हम ढक देते हैं तो बंद हो जाता है। बस इसके जो धुआं होता है, जो स्मेल होती है, गिलास को बिल्कुल चेंज कर देता है, उसकी बदबू को हटा देता है। काफ़ी यूजफुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।